करेंगे और सबसे पहले मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के मौसम का हाल आपको बताते हैं। गर्मी का सितम इन दोनों ही राज्यों में बरकरार है। हालांकि मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहाँ पर गर्मी से थोड़ी सी राहत मिलने की उम्मीद अब मध्य प्रदेश वासी कर सकते हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 1 से 2 दिनों में मौसम में बदलाव आ सकता है। इधर छत्तीसगढ़ की यदि बात की जाए तो यहाँ पर गर्मी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। कई जिलों में तापमान 42 डिग्री के पार पहुंच गया। मध्य प्रदेश के कई जिलों में हल्की बारिश के आसार जरूर जताए गए हैं। मौसम में यहाँ पर बदलाव हो सकता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में फिलहाल कोई राहत नहीं मिलेगी। तापमान 42 डिग्री के पार छत्तीसगढ़ के कई जिलों में पहुंच चुका है। आपको बता दें मध्य प्रदेश में धार, अलीराजपुर, मंदसौर, नीमच यहां पर हल्की बारिश हो सकती है। इसके अलावा ग्वालियर चंबल संभाग में भी हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। 26 अप्रैल के बाद एक बार फिर से तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन आने वाले 1 से 2 दिन में थोड़ी सी राहत प्रदेशवासी कर सकते हैं, ऐसा मौसम विभाग का कहना है। वही छत्तीसगढ़ वासियों को फिलहाल गर्मी से राहत नहीं मिलेगी, इसी तरह गर्मी इन्हें परेशान करती रहेगी। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में तापमान 42 डिग्री के पार पहुंच गया है। इधर मध्य प्रदेश में भी तापमान में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है मौसम विभाग की ओर से कि आने वाले 1 से 2 दिन में तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी और मौसम में भी बदलाव देखने को मिलेगा। बारिश के आसार कई जिलों में मौसम विभाग ने जताए हैं, जिसमें धार, अलीराजपुर, मंदसौर, नीमच है। इसके अलावा रतलाम, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना और छतरपुर में भी हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में भी हालांकि अभी टेम्परेचर कई जिलों में 40 के पार ही बना हुआ है। भोपाल में 41.5 डिग्री सेल्सियस और इंदौर में 40 डिग्री सेल्सियस इस वक्त तापमान है। वही जबलपुर में 40 डिग्री को भी पार ये टेम्परेचर कर चुका है। ग्वालियर में इस वक्त 47 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर बना हुआ ही अधिकतम तापमान है। खजुराहो, नर्मदापुरम और नौगांव में और भी ज्यादा स्थिति भयावह है, 45 डिग्री के पार ही तापमान पहुंच गया है। तो मध्य प्रदेश में भी गर्मी का प्रकोप जारी है, लेकिन उम्मीद थोड़ी सी ये भी है कि आने वाले 102 दिन में मौसम में बदलाव हो सकता है। तो चलिए मध्य प्रदेश के मौसम का हाल और क्या कुछ कहता है मौसम वैज्ञानिकों का क्या कुछ कहना है, ये हम जानेंगे। सीधे रुख करते हैं संवाददाता आकर्ष शर्मा का, लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकर्ष, भोपाल में इस वक्त 41 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर बना हुआ है और यही हाल मध्य प्रदेश के ज्यादातर जिलों का है, जहां 40 से ज्यादा टेम्परेचर है। लेकिन थोड़ी सी उम्मीद अब की जा सकती है मौसम में बदलाव 1-2 दिन में होगा और थोड़ी राहत मध्य प्रदेश वासियों को मिलेगी। जय, आपने सही कहा कि जिस तरीके से वेस्टर्न डिस्टरबेंस का थोड़ा असर देखने को मिल रहा था और यही कारण है कि राजस्थान के ऊपर हवा के ऊपर एक चक्रवात बना था, जिसके चलते एक ट्रफ लाइन बनी थी जो मध्य प्रदेश से होकर गुजर रही थी। यही कारण है कि हमने 2 से 3 दिनों में देखा कि कई जगह बादल छाए हुए थे और टेम्परेचर में हल्की सी कमी देखने को मिली थी। लेकिन कुछ जिलों में जो यदि बात करें खरगोन, खंडवा, खजुराहो जो स्टेशन है वहाँ पर तापमान फिर भी 43-44 या उसके ऊपर बना हुआ था। मौसम विभाग का कहना है कि अभी जो मौसम बना हुआ है, शुष्क मौसम बना हुआ है, उसी तरीके से मौसम करीब 24 से 48 घंटे बना रहेगा, जहां पर हमने टेम्परेचर यदि बात करें तो करीब 40 डिग्री के ऊपर ही दर्ज पूरे जिलों के किए जाएंगे। ये सिर्फ पचमढ़ी या इंदौर या उज्जैन जिले की बात करें, वहां पर टेम्परेचर 40 से कम दर्ज किए जा सकते हैं। बाकी अन्य जिलों में जो तापमान है 40 डिग्री के पार ही दर्ज किया जाएगा। लेकिन उनका साथ में ये भी कहना है कि एक और WD बन रहा है, जिसके चलते हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में मौसम में थोड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। साथ में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से हल्की हल्की नमी वाली आ रही है, जिसके चलते मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा और शायद आने वाले दिनों में टेम्परेचर में 1 या 2 डिग्री ज्यादा कोई कमी नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन तापमान में 1 से 2 डिग्री तापमान कम होगा और थोड़ी लोगों को जो है गर्मी से राहत मिल सकती है। लेकिन मौसम विभाग लू को लेकर फिर भी कुछ स्टेशन जहां पर 44-45, खजुराहो, खंडवा, नर्मदापुरम जैसे जिले जो ऐसे हैं जहां पर टेम्परेचर हाई जाता है, वहां पर जरूर लू चलने का अलर्ट फिर मौसम विभाग जारी करेगा। जया, बिल्कुल, लेकिन अभी राहत की उम्मीद जरूर मध्य प्रदेश वासी कर सकते हैं। आकर्ष, बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपसे बात करेंगे। लेकिन छत्तीसगढ़ का क्या कुछ हाल है, यहाँ भी कई जिलों में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। हमारे साथ बिलासपुर से देख सकते हैं, हमारे साथ उमेश मौर्य जुड़े हुए हैं और इसके साथ ही कुलेश्वर पांडे रायपुर से जुड़े हुए हैं। उमेश को हम देख रहे हैं, गर्मी बहुत ज्यादा परेशान कर रही है उमेश मौर्य को। सबसे पहले हम कुलेश्वर के पास जाना चाहेंगे। कुलेश्वर, अगर छत्तीसगढ़ के मौसम की बात करें तो ये कहा जा सकता है कि इस वक्त छत्तीसगढ़ में आग आसमान से बरस रही है, खासे परेशान छत्तीसगढ़ वासी। जी
देखिए बिल्कुल गर्मी का सितम जो है वो लगातार छत्तीसगढ़ में जारी है। पूरे प्रदेश भर में तापमान जो है 44 डिग्री के पार चले गया है। अगर हम राजधानी रायपुर की बात करें तो रायपुर में भी 42 डिग्री के पार जो है तापमान है और जिस तेज़ी के साथ गर्मी बढ़ रही है, धूप अब चुभने लगी है, निश्चित तौर पर लोग भी काफ़ी परेशान हो रहे हैं। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि गर्मी से राहत जो है अभी छत्तीसगढ़ वासियों को नहीं मिलेगा, आगे भी गर्मी जो है इसी तरह बढ़ती रहेगी, तापमान में वृद्धि होगी। मौसम विभाग ने पहले ही कह दिया कि 45 से 46 डिग्री जो है इस समय प्रदेश का तापमान जा सकता है। राजधानी रायपुर में भी जमकर गर्मी जो है वो देखने को मिल रही है। सुबह 9 बजे की धूप जो है अब लोगों को चुभना शुरू हो गया है। आपको बता दें कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि अप्रैल माह में इतनी तेज़ गर्मी पड़ रही है। अगर हम पिछले 2-3 साल की बातें करें तो इतनी गर्मी अप्रैल माह में नहीं पड़ती थी, लेकिन इस समय मार्च के एंडिंग में ही जो है गर्मी की शुरुआत हो गई थी और आज 19-20 तारीख है और ये गर्मी जो है लगातार बढ़ते ही जा रही है। आने वाले समय में और भी तापमान बढ़ेगा, धूप भी काफ़ी बढ़ेगा और अब जो है ये गर्मी लोगों को परेशान कर रहा है। आपको बता दें कि लोग भी जो है अपने घर से कम निकल रहे हैं। अगर कुछ ज़रूरत है तभी वो अपने घर से बाहर निकल रहे हैं और निकल भी रहे हैं तो स्कार्फ बांध के निकल रहे हैं, हेलमेट पहन के निकल रहे हैं, क्योंकि गर्मी जो है वो साफ तौर पर लोगों को परेशान जो है राजधानी रायपुर में कर रहा है। बिल्कुल कुलेश्वर, संक्षेप में जवाब दीजिएगा कि फिलहाल क्या कोई राहत नहीं मिल सकती है? मौसम विभाग की ओर से क्या कहा गया है आने वाले कुछ दिनों के लिए? देखिए मौसम विभाग का साफ तौर पर कहना है कि कुछ जिलों में गरज चमक के साथ बूंदाबांदी होगी, लेकिन जो तापमान में गिरावट है वो आंशिक ही रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि आने वाले 3 से 4 दिनों में भी जो तापमान है वो बढ़ेगा। 42 डिग्री आज राजधानी रायपुर का है, आने वाले समय मौसम विभाग ने कहा है कि 43 से 44 डिग्री जो तापमान है वो सिर्फ राजधानी रायपुर का जा सकता है। तो कुल मिलाकर जिस तरह से तापमान में वृद्धि हो रही है इससे तो यही लग रहा है कि अभी गर्मी से राहत नहीं मिलने वाला है। बिल्कुल बने रहिएगा कुलेश्वर, आगे बात करेंगे। हमारे साथ उमेश मौर्य भी लगातार जुड़े हुए हैं। उमेश, देखा हमने गर्मी से और धूप से बचने की कोशिश आप कर रहे थे, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में गर्मी जो है बहुत ज्यादा परेशान कर रही है और लोग अब घरों से निकलने से बच रहे हैं, बहुत ज्यादा जरूरी है तभी निकल रहे हैं। जया देखिए, अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा अगर कहीं तापमान में वृद्धि हुई है तो वो है बिलासपुर, जहां 44 डिग्री सेल्सियस पर तापमान पहुंच गया है। पारा लगातार बढ़ता जा रहा है और यही वजह है कि जो सुबह 8 बजे से जो धूप की तेज किरणें हैं वो लोगों को चुभने लगती है। यही वजह है कि आप देख सकते हैं कि जो सड़कें हैं वो कभी ये सड़कें इस समय पर भीड़ भाड़ का इलाका हुआ है करता था। यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो घर से अपने काम के लिए निकलते थे, लेकिन स्थिति साफ तौर पे देखा जा सकता है कि सड़कें जो हैं वो सूनी हो चुके हैं। लोग अपने घर में ही दुबक कर बैठ गए हैं क्योंकि तेज किरणें जो हैं वो सूर्य की वो चुभने लगी है। फिर भी जो लोग बाहर निकल रहे हैं वो स्कार्फ लगा रहे हैं, आंखों को बचाने के लिए चश्मे का उपयोग कर रहे हैं और तरल पदार्थ पीने का प्रयास कर रहे हैं ताकि जो गर्मी है उससे कहीं ना कहीं बचा जा सके। कुछ लोग हैं, हमसे बात करते हैं, किस तरीके से आप बचाव कर रहे हैं गर्मी में? बिलासपुर में 44 डिग्री पहुंच गया है। हाँ, तो गर्मी का समय है और गर्मी के समय में गर्मी पड़ना चाहिए, उससे बचने के लिए बहुत सारे उपाय लोग कर रहे हैं, गमछा वगैरह बांध के चल रहे हैं और जेब में छोटी प्याज की जो गांठ होती है उसको लेके चल रहे हैं ताकि लू ना लगे। निश्चित रूप से लू ना लगे करके प्याज, आप मटकी लेकर निकले हुए हैं, परेशान कर रही गर्मी? बहुत परेशान कर रही है, धूप में निकलना मुश्किल हो गया है। 10:30-11 बजे के बाद तो आदमी निकल ही नहीं सकता और देख रहे हैं आप जैसे कि मटका खरीद के लेके जा रहे हैं, गर्मी इतना पड़ रहा है कि खाली पानी भी नहीं पिया जा रहा है, तो बिना मटके के तो आजकल चलता भी नहीं है। और दिन में 4 से 5 बार गन्ना रस पी ले रहे हैं और नींबू पानी चल रहा है, तो उससे बचाव हो रहा है थोड़ा बहुत। तो ये लोग अपने इस गर्मी से बचाव के लिए जो है तरल पदार्थ का उपयोग कर रहे हैं, नींबू पानी पी रहे हैं, गन्ना रस पी रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पिछले कुछ सालों से देखा जा रहा है कि बिलासपुर में लगातार जो है तापमान वो बढ़ता जा रहा है 44 के पार। इससे पहले अगर हम 2017 की बात करें, 2017 में भी इसी तरीके से गर्मी, कड़ाके की गर्मी पड़ी थी जिसकी वजह से लोग जो है घर में दुबक के रह गए थे और कई गाइडलाइन भी जारी किए गए थे कि घर से बाहर न निकले, गर्म लू हवाएं चल रही है, इससे बचाव करने के लिए जो है मौसम वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है। डॉक्टरों का भी कहना है कि घर से जब बाहर निकले तो तमाम धूप से बचने के लिए और गर्म हवाओं से बचने के लिए स्कार्फ का उपयोग करें, तभी घर से बाहर। स्वास्थ्य पर असर डाल रही है उमेश, और देखिए मध्य प्रदेश में तो मौसम में बदलाव होने की संभावना है लेकिन छत्तीसगढ़ में इस वक्त गर्मी सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। फिलहाल बहुत धन्यवाद आप तीनों का, उमेश मौर्य बिलासपुर से जुड़े थे, कुलेश्वर पांडे रायपुर से, और इसके साथ ही भोपाल से आकर शर्मा हमारे साथ जुड़े थे। तो मौसम का हाल आपने देख लिया, लेकिन जरूरी यह है कि आप भी इस गर्मी से अपना बचाव जरूर करें।